हरियाणा तो बाद हुण पंजाब दे जट महासभा ने भी चुकी राखवांकरण की मंग। हरियाणा में चल रहे जट राखवांकरण के अंदोलन का असर हुण पंजाब दे जट महासभा विच भी देखने मिल रहा है। 2014 विच सेंटर की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जटा राखवांकरण दिता सी ओबीसी कैटेगरी विच। ओबीसी कैटेगरी का सब तो वधिया गल यह है कि वह आर्थिक आधार पर तुहानू रिजर्वेशन मिलती है, आर्थिकता के आधार पर, यह नहीं है कि हरेक नू मिल जाती। जट महासभा के पंजाब प्रधान कुशलदीप सिंह ढिल्लों के घर विखे हुई एक मीटिंग दौरान उन्होंने पंजाब सरकार अगे राखवांकरण की मंग चुकी है। उन्होंने कहा कि सारे राज्यों में किसानों नू पिछड़ी जाति के आधार पर राखवांकरण दिता जा रहा है, पर पंजाब सरकार विच हुण तक इसका ऐलान नहीं किया गया। जिहड़े बंदे घरों सौखे है, उन्हां कोल पैसे है, उन्हां नू नहीं मिलती। सिर्फ लोड़वंद लोग है, जिहड़े वाकई गरीब है, उन्हां नू मिलती है। सो असी भी उस गल का समर्थन कर रहे सी, पर बदकिस्मती की गल है, कल्ले पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने, प्रकाश सिंह बादल ने नोटिफिकेशन नहीं की। बाकी सारे सूबों नोटिफिकेशन हो गई सी, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जिहदा लाभ सारे जट्टां नू मिलिया सी। कल्ले पंजाब दे जट्टां उस गल्लों वांझे रह गए सी। उन्होंने कहा कि सरकार नूं असीं चेतावनी दिंदे हां कि जेकर पंजाब सरकार केंद्र सरकार दे 2014 दे ऐलान दे मुताबिक पंजाब विच फैसला लागू नहीं करदी तां मजबूरन पंजाब दे किसानां नूं सड़कां उत्ते उतरना पवेगा। मैं पंजाब सरकार नूं इस गल दी वार्निंग देना चाहुंदा कि पिछली वारी भी इन्हां ने शरारत कीती पंजाब दे लोकां नाल, ते जे ऐतकी इन्हां ने फिर कोशिश कीती है शरारत करन दी, ते आपदी कोजी सियासत तो इन्हां नूं उपर उठना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल नूं, जे ऐतकी भी इन्हां ने उही उहो जी शरारत कीती पंजाब दे लोकां नाल, ते असी ऐं तकड़े होकर सड़कां ते उतरांगे, ऐं लड़ाई लड़ांगे। पर जे बिल्कुल ही पंजाब सरकार कल्ली पंजाब दे लोकां नाल धक्का करेगी, ते असी भी तकड़े होकर पंजाब दी लड़ाई लड़ांगे। CNA चैनल लई फरीदकोट तों गुरजीत रोमाना दी रिपोर्ट।